नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी बेसिक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आईडी में प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त जाना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ड्रॉइंग समझा दूं, जो कि ये अपना ड्रॉइंग आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा, यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये फुली होल है, यानी कि ये आर पार है, ठीक है। और ये आईडी इनसाइड, यानी कि हमें आईडी में प्रोफाइल बनाना है। जब हमें आईडी में प्रोफाइल बनाया तो यहाँ पे देखिए, इसका डाया दिया यानी कि ओडी का डाया दिया 300 और इसका डाया दिया 239 और यहाँ पे जो आईडी यानी जो बोर है उसका डाया दिया 145.4 और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया है 153.6 और यहाँ पे रेडियस R50 का रेडियस दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसका 40 दिया हुआ। यदि ड्राइंग में इस तरह से दिया हो तो इसका कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे और इसका प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, ये अभी आप लोगों को बताया कि ये होल है यानी कि थ्रू होल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट हमें कितना निकालना है ये कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट बनेगा, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, ठीक है। इस टोटल 4 कोऑर्डिनेट में हम प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू होगा, कोऑर्डिनेट नंबर 1 यानी कि ये वैल्यू है, x का वैल्यू होगा 144.4 और z का वैल्यू होगा -40। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर यानी कि आईडी इसका दिया 145.4, ठीक है, और मैं लिया हूं 144.4 इसलिए क्योंकि 1 mm इसका सेफ पोजीशन लिया हूं, ठीक है। और जेड -40, जेड -40 क्यों लिया, क्योंकि देखिए मैं अपना टूल को यहाँ पे 0 किया हूं, ठीक है, ये मेरा 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 40 दिया हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 144.4 रखा हूं, क्योंकि 1 mm सेफ पोजीशन, ये 45 दिया हुआ, यहाँ पे 44 लिया हूं, 1 mm सेफ पोजीशन। और जेड -40 इसलिए क्योंकि टूल अंदर की तरफ जा रहा और ये 40 इसका लेंथ दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर हमें जाना, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जाने के लिए इसका डाया हमें दिया हुआ 153.6, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर एक्स का वैल्यू होगा 153.6 और जेड का वैल्यू जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि जेड का वैल्यू -40 ही रहेगा, ठीक है। अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर जा सकते, और यहाँ पे ये जो भी टूल चलेंगे लीनियर में यानी G01 में जाएंगे, ठीक है। टूल यहाँ से यहाँ तक जा चुका, अब यहाँ से अपना प्रोफाइल बनेगा, R50 का रेडियस बनेगा, तो टूल इस तरह से चल रहा, इस तरह से टूल चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से टूल जब चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये G02 क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा, जब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पे G02 यूज करेंगे। अब देखिए, टूल अपना कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर खड़ा है, कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए x का वैल्यू होगा 239.0, क्योंकि इसका डाया दिया हुआ, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर x का वैल्यू 239.0 और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। z का वैल्यू 0 क्यों होगा, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट निकालने से पहले आप लोगों को बताया था कि अपना टूल का 0 यहां पे, ठीक है, इसलिए यहां पे 239.0 ये x का वैल्यू हो जाएगा और z का वैल्यू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब टूल यहां से यहां तक जाएगा, इसका डाया 300 दिया हुआ, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 4, ये जो 4 है, 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाने के लिए x का वैल्यू 300 हो जाएगा। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे डाया 300 दिया हुआ, आप चाहे तो 302 304 305 समथिंग कुछ ले सकते हैं, क्योंकि टूल जब यहां से चलते हुए जाएगा तो यहाँ पे बढ़ आएगा, इसलिए यहाँ पे चाहे तो आप 302 304 ले सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट नंबर 4 में x का वैल्यू 300 में रखा हूँ, आप चाहे तो जितना भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा ही रखिएगा, ठीक है। उसके बाद z का वैल्यू 0, क्योंकि ये अपना 0 था इसलिए z का वैल्यू 0 ही रहेगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम बनाने का, ये कोऑर्डिनेट बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे को कमेंट्स आया था कि सर, इस तरह का यदि प्रोफाइल बनाना हो तो इसको किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, आप एक बार प्रोग्राम समझा दीजिए, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस तरह का ड्राइंग हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से
आसानी से कोई भी प्रोफाइल आईडी में बना सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।